Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. As you know, you have a novel in your second year as a textbook, Prisoner of Zenda. It is written by Anthony Hope Hawken, and it is written in 1893 and it was published in 1894. So, in this paragraph, ये एक इंट्रोडक्शन है, एक बहुत शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है, अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन. इट शेयर सर्टन फीचर्स ऑफ अर्ली एंड लेट 20th सेंचुरी लाइफ सच एज रेलवेज, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कैपिटल सिटीज लाइक पेरिस, लंदन, मूविंग ऑन हॉर्सेस बट मोटर कार, फर्स्ट फ्लाइट ऑफ मैन, सिनेमा एंड रेडियो एक्सेट्रा वर एट अ डेकेड डिस्टेंस. ये बता रहा है कि जैसे आज अगर हम आज कंपेयर करें कि आज की डेवलपमेंट के साथ जो हम रह रहे हैं, तो इस तरीके से उस मुसन्नफ़ के या जो राइटर था उस ज़माने में, तो अर्ली या 20th सेंचुरी के शुरू में वो किस तरीके से, मिसाल के तौर पर उस ज़माने की रेलवे जो कि गालबन स्टीम इंजन रेलवे हुई होगी, और उसके साथ साथ जो कि आज की रेलवे है वो इलेक्ट्रिक रेलवे भी है और बहुत फास्ट ट्रेन हैं, फिर इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ जो कि रिप्लेस होकर के आजकल टेलीफोन, वायरलेस टेलीफोन और सेटेलाइट टेलीफोन बेशुमार चीज़ें, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एक ज़माने में जो स्टीम इंजन पर चलती थी उसके बाद कंबस्टन पे हुई, लेकिन आजकल अगर हम इससे कंपेयर करें तो इस वक्त यूरोप में और बहुत सारे एडवांस कंट्रीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो रन कर रही है. जैसे आप ड्रोन देख रहे हैं, ड्रोन के ज़रिए से एग्रीकल्चर पे काम हो रहा है और बेशुमार चीज़ें इस तरीके से, ऑटो जिसको कहते हैं ऑटोमेटेड मशीन्स, फिर कैपिटल सिटीज़ उस ज़माने में भी थी और आज भी हैं, और मूविंग ऑन हॉर्सेस, इसका मतलब है कि उस ज़माने में फ़र्क ये है कि लोग घोड़ों वगैरह पे, जैसे यहाँ कारोनेशन में किंग और किंग के वजीर और जितने जो लोग मेहमान होते हैं वो घोड़ों पे सफ़र कर रहे होते हैं, हॉर्सेस वगैरह पे सफ़र करते हैं. चूँकि वो बताया कि बट मोटर कार एंड फर्स्ट फ्लाइट ऑफ मैन यानी एरोप्लेन और सिनेमा और रेडियो, ये कुछ तकरीबन अगले 8-10 साल में, 8-10 साल की दूरी पर थे और 8-10 साल बाद लोगों को ये अवेलेबल हो सकते हैं. अब वो आथर के बारे में हम जानना चाहते हैं कि इस नावल के आथर के बारे में. इसका नाम है एंथनी होप हॉकिंस. ये 1863 में पैदा हुआ और 1933 में इसकी डेथ हो गई, और इसे सर एंथनी होप हॉकिंस भी कहते हैं क्योंकि ही वॉज नाइटेड इन 1918, और इसने जो तालीम हासिल की मार्लबोरो कॉलेज एंड बेलॉयल कॉलेज ऑक्सफोर्ड से, और फिर ये प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन सोसाइटी का प्रेसिडेंट बना क्योंकि इसकी एकेडमिक या तालीमी बहुत अच्छी काबिलियत की वजह से. फिर उसने लॉ किया मिडिल टेंपल से और बहुत ही एक कामयाब वकील बना, और जल्द ही वो बहुत फेमस नॉवलिस्ट भी बन गया, यानी नावल निकाल. और स्पेशली ये जो उसका नावल है प्रेजेंट ऑफ जिंदा, ये सिक्स नावल है, इसकी वजह से वो एक बहुत बड़ा प्रोलिफिक राइटर के तौर पर जाना जाने लगा, एक बहुत मशहूर और बहुत कामयाब तरीन राइटर और नावलिस्ट. फिर उसने जो लॉ की जो प्रैक्टिस एज ए लॉयर, जो प्रोफेशन उसका लॉयर था, वो उसने छोड़ दिया एंड ही बिकेम ए राइटर. अब हम प्रेजेंट ऑफ जेंडा के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ जैसे है कि इज एन एक्साइटिंग स्टोरी दैट कीप्स ऑन स्पिनिंग अराउंड द प्रिजनर हु इज किडनैपिंग ऑफ रोलिटेनिया. ऑल इवेंट्स एंड सब प्लॉट्स आर वेल कनेक्टेड टू द मैन प्लॉट इन द नावल एंड कीप द रीडर इन सस्पेंस एट एवरी इवेंट एंड चैप्टर, अराउजिंग फीलिंग्स ऑफ मोर क्यूरियोसिटी टू नो अबाउट व्हाट अनएक्सपेक्टेड may happen in the next move. मुख्तसर ये कि ये काफ़ी एक्साइटिंग है, जब आप इसे रीड करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि
जो किंग ऑफ रोरिटेनिया जिसे किडनैप कर लिया गया था, उसके अपने एक हाफ ब्रदर ने उसे कैसल ऑफ जिंदा के अंदर उसे रखा था। तो इस नावल में जितने भी सब प्लॉट्स हैं, यानी मेन प्लॉट तो वो यानी वो बादशाह जो है वो उसको किडनैप कर लिया जाता है और अब उसकी उसको रिकवर करने के लिए और उसे वापस कारोनेशन यानी कि ताजपोशी पे लाने के लिए जो स्ट्रगल की जाती है, तो ये मेन प्लॉट ये है कि वो किडनैप्ड है रियल किंग और उसके लिए एफर्ट्स हो रही हैं कि उसको किस तरीके से बाजियाब कराया जाए और वापस कारोनेशन यानी ताजपोशी करके उसे वापस किंग बनाया जाए। तो ये है एक मेन प्लॉट और इसके बीच में फिर बेशुमार सब प्लॉट्स भी चल रहे होते हैं और इसी तरीके से वो तमाम जो इवेंट्स जो वाकयात इसमें हो रहे होते हैं बड़े इंटरेस्टिंग हैं और बड़े वेल कनेक्टेड हैं मेन प्लॉट के साथ इस नावल में। और रीडर्स काफ़ी सस्पेंस उसमें मुब्तला होता है, उसको ये फीलिंग्स जो क्यूरियोसिटी यानी कि तजस्सुस उसमें पैदा होता है कि भाई आगे क्या होने वाला है और कौन सी अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो है वो हो सकती है, तो उसके लिए वो समझता है कि इसको मजीद पढ़ा जाए और मजीद जाना जाए कि क्या हुआ। तो ये एक इंटैक्ट रखता है किसी भी रीडर को फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड के इस ये नावल इतना इंटरेस्टिंग है। जब आप एक दो तीन चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपको इतना इंटरेस्ट पैदा होता है कि आप चाहते हैं कि इसको जल्द अज जल्द बताया जाए और ये बताया जाए, क्योंकि इसमें बेशुमार सब प्लॉट्स हैं, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जिससे लगता है कि ये बहुत इम्पॉसिबल काम है, लेकिन बाज़ोकात बहुत इम्पॉसिबल काम मज़ीद इम्पॉसिबल होने के बाद कभी कभी अचानक पॉसिबल हो जाते हैं। तो इसी किस्म का ये नावल है। अब हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि प्रिजनर ऑफ जेंडा है कौन। जेंडा तो एक जगह का नाम है लेकिन प्रिजनर कौन है इसका, यानी कैदी कौन है। द प्रिजनर ऑफ जेंडा इज द किंग रोडोल्फ फाइव ऑफ रोरिटेनिया। ये किंग रोडोल्फ फाइव है जिसे नशावर अद्वयात पिला के बेहोश किया गया, ड्रग किया गया, फिर उसे किडनैप किया गया और फिर उसे कैद कर दिया गया कैसल ऑफ जिंदा में। उसके छोटे हाफ ब्रदर यानी सौतीले भाई माइकल उसका नाम था और ये जो माइकल है ये ड्यूक ऑफ स्टेडलसो है, यानी किंग की जब कॉरोनेशन होने लगती है तो उससे पहले ही वो उस किंग को ड्रग करके किडनैप करके और उसको इम्प्रिजन करवा देता है ताकि कॉरोनेशन पे वो ना आ सके और अल्टीमेटली ये जो है वो इस यानी ये क्राउन किंग बन जाए। फिर हम देखते हैं कि जेंडा क्या है। जेंडा इज ए स्मॉल हिली टाउन, ये एक हिली खूबसूरत टाउन है और जंगलात हैं इसमें और पहाड़ियां हैं और 50 माइल्स अवे फ्रॉम द कैपिटल ऑफ रोरिटेनिया से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो में मैन करेक्टर्स जिसमें दो ग्रुप ऑफ करेक्टर्स होंगे और फिर इंडिविजुअली जो खास खास करेक्टर्स होंगे उनका इंट्रोडक्शन इंशाअल्लाह आपको दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।